सुप्रभात मेरे प्रधानाचार्य और मेरे शिक्षक। मेरा नाम अद्विक कुमार पांडे है और मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है एक ईमानदार लकड़हारा। एक समय की बात है, एक ईमानदार लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी उसकी कुल्हाड़ी नदी में जा गिरी। ये देख लकड़हारा परेशान हो गया। उसे परेशान देख पानी से जल परी निकली और उससे पूछा कि ए लकड़हारे, तुम क्यों परेशान हो? लकड़हारे ने कहा कि मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। जल परी ने कहा कि रुको, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेके आती हूँ। जल परी पानी में गई और एक सोने की कुल्हाड़ी लेके आई। तो लकड़हारे ने कहा, नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर वापस जल परी पानी में गई, तो फिर इस बार उसने चांदी की कुल्हाड़ी लाई। तो लकड़हारे ने कहा, नहीं नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर जल परी वापस पानी में गई, इस बार उसकी लोहे की कुल्हाड़ी लेके आए। तो लकड़हारे ने कहा, खुश होते हुए कहा कि हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। तो जलपरी ने उसकी ईमानदारी देख के उसे उपहार में सोने और चांदी दोनों की कुल्हाड़ी दे दी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कितनी भी अच्छी चीज़ मिल जाए, हमें अपनी ईमानदारी नहीं भूलनी चाहिए। धन्यवाद।